हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन, या फाइन ही चाहिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स, खुश रहो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक चंडीगढ़ एफएम से फोन आया था एक दिन, तो उसको मुझे वो करना नहीं आता कि उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको कैसे वीडियो में तब्दील करते हैं। तो वो सारे काम मेरे एक ब्रदर है कनाडा में, तो वो थोड़े बिजी चल रहे थे। फॉलोवर ही है हमारे, लेकिन अब हम उन्हें ब्रदर कर सकते हैं, गौतम भाई। तो उन्होंने वो उसको फाइल बनाने में टाइम लग गया, तो उन्होंने आज भेजी है वो फाइल, तो वो वीडियो फाइल है। तो वो मैं आपको आज बताता हूँ। चंडीगढ़ एफएम से लखा ऋषि जी का फोन आया था, और भाई चंडीगढ़ भी लाइव आया तो बड़ा खुशी मिलती है कि चंडीगढ़ में भी भाई का नाम आया कि गोल्डी दी टैक्सी, गोल्डी दी कैब। और भोपाल एफएम से भी फोन आया था, और ये सब रेड एफएम के एक्चुअली वो होते हैं। जैसे रेड एफएम दिल्ली अलग होता है, रेड एफएम हर जगह चलता है ना। तो लाइक भोपाल से एकता आरजे का फोन आया था, और यूपी से विभंस करके कोई आरजे था, उनका फोन आया था, तो उन्होंने फोन पे इंटरव्यू लिया। और चंडीगढ़ से लखा ऋषि जी का फोन आया था, जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है कि जब सब अप्रिशिएट करते हैं आपको, और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही मतलब एक अलग लेवल अचीव करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स गॉड। मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ अपने भगवान का कि उसने मेरे को इस लायक समझा, और आप सबका कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। इस सपोर्ट की वजह से जो है आज गोल्डी सिंह को मतलब हर कोई तो नहीं कह सकता, मतलब फिर भी लाखों में लोग तो जानते ही होंगे कम से कम। और खुशी की बात यह है कि आज जी न्यूज वाले भी घर पे आए थे, तो हो सकता हो कि भाई वो शायद वो 4 बजे एक उनका प्रोग्राम आता है जी न्यूज पे, 4 o'clock पे, जिसके बारे अभी भी सीएनजी लाइन में लगा हुआ हूँ। दोस्तों, टाइम नहीं मिलता आजकल। चलो, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, बस आप ऐसे सपोर्ट करते रहो, हम छोटी छोटी वीडियोज आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आज जी न्यूज वाले भी आए हुए थे, तभी भाई थोड़ा सा डिफरेंट लुक में है, तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने पूरा इंटरव्यू लिया, फिर फैमिली का इंटरव्यू लिया बहुत अच्छे ढंग से, मतलब उन्होंने एक अच्छा एक ब्लॉग बनाया। पता नहीं वो कितने मिनट का आएगा, वो एक 4 बजे एक उनका जी न्यूज पे वो आता है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उस पर ये स्टोरीज शेयर करते हैं, हीरो स्टोरीज कुछ करके था वो, तो वो 4 बजे आता है जी न्यूज पे। अब देखो कब आता है। वैसे उन्होंने बोला था कि 2 वीक या 3 वीक लगते हैं, क्योंकि अभी एडिटिंग होती है, इसका सब कुछ होता है, तो वो मुझे मैसेज कर देंगे जब आएगा, तो वो लिंक भी आपसे शेयर करूंगा। चलो फाइनली, अब आप ये लखा ऋषि वाली ऑडियो सुनो और एंजॉय करो। हैं, हे बुल्ले लिट्टो बुल्ले। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। लखा ऋषि आपके साथ है CH935 पे। गोल्डी नाम के कैब ड्राइवर है दिल्ली में, जो अपनी गाड़ी में बैठने के बाद कस्टमर का इतना ध्यान रखते हैं, इतना तो मेरी मम्मी भी मेरा ध्यान नहीं रखती। हाँ। पहले पूछेंगे पानी पियोगे, कॉफी पियोगे, खाना खाओगे, सोडा बॉटल बाटली, तो बहुत सेवा करते, बहुत प्यार ना गल करते। तो गोल्डी भाई से बात करें। गोल्डी भाई, सत श्रीकाल। लखा ऋषि बात करे। लखा ऋषि जी, सत श्रीकाल। हेलो भाजी, देखो मैंने आपकी कहानी पढ़ी है। ये इंजीनियर थे आप, आपका एक्सीडेंट हुआ, फिर आप बेड पे रहे, मम्मी सिलाई का काम करती थी, उन्होंने पैसे जोड़े, फिर आपने कैब खरीदी, पर तब भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, और इतना प्यारा आइडिया सोचा कि मैं लंगर लगाता हूँ अपनी कैब के अंदर। कहाँ से आया आइडिया ये? फरवरी च मेरे दिमाग च गल आई कि यार क्यों ना आपा पानी पिलाईए लोगों नू। पानी आपा पहला भी पूछते सी, लेकिन वो उस तरह पूछते सी जिस तरह अपनी बोतल हैगी है या अपना, तो उस तरह लोग फील करते सी कि हुण मैं पीवां इस बोतल तो, जिन्हों प्यास भी लगी होंदी सी वो थोड़ा भी हाइजीनिक महसूस करता सीगा। ते फिर मैं सोचिया कि आपा बोतल पानी दी रखीए, ते आपा इक गल नहीं छड्डी पूरी जिंदगी भर, जिन्ना भी अपना रिसेशन का दौर रहा असी दसवंध कढ़ना कदे नहीं छड्डिया। दसवंध जिहड़ा मेरा कट्ठा हुंदा गया ते ओ इकदम मैं देखिया लिफाफा जाके कि उत्थे इकदम जी, मैं कह रहे 10-12 हजार रुपए होए पहले, असीं उहनूं यूज नहीं करदे, चाहे जिन्ना मर्जी साडे घर च प्रॉब्लम आ जाए ते कदे उहनूं यूटिलाइज कर नहीं पाए लंगर वगैरह इस तरह। ते ओ इकदम मैनूं शॉट च आया कि यार ऐ आपां इस तरह शुरू करदे आ, एक यूनिक चीज हो जाएगी, ते ए लंगर आपां अपनी गड्डी च करदे आ, आपां चाह कॉफी ग्रीन टी जूसेस अरोड़ा लेमन, एक जेड़ा बंटे वाली बोतल हुंदी है उनू कहंदे ने, जिन्हू नींबू लेमन कहंदे ने आपां, के ओ रखदे आ। क्या बात है भाजी, क्या बात, अमेजिंग भाजी। भाजी आपका एक स्लोगन भी है बहुत मशहूर है,
ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਲੋਗਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਬਾਈ ਗਾਣੇ ਵਜੇਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਡ ਰਹੇਗੀ 50 ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਫੀਲ ਕੂਲ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਭੀ ਇਤਨੀ ਆਪਨੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅਭੀ ਕੱਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੈ ਲੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਥਾ ਹੱਥ ਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਆਪ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਿਆਂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਾਓ ਭਾਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆਪਨੇ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆਪਨੇ ਭਾਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਤੇ ਰਹਤੇ ਕਭੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਿਕਲਤੇ ਤੋ ਬੀਚ ਮੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸਰ ਆਪਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਸੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਯਾਰ ਯੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੋਤੇ ਨਾ ਦਿਲ ਸੇ ਸੋਨਾ ਹੋਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਫਲ ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ 93.5 ਬਜਾਤੇ ਰਹੋ